हे गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बिहार की मोस्ट फेमस लिट्टी चोखा की रेसिपी। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बनाने में, पर हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। कोई झंझट नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जब भी आपका खाने का मन करे आराम से आप बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी इसको बहुत ही ईजिली बना देंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिट्टी बना लेना है, जिसमें हमने दो बड़ी कटोरी भरकर हमने गेहूं का आटा लिया है। आधा चम्मच हमें यहाँ पे कलौंजी डाल देना है, इसको मंगरेल भी कहते हैं, तो इसको हम डाल देंगे। और नमक हमें आधा चम्मच डाल देना है। तो बस आधा चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और बहुत चीज़ें हमें इसमें ऐड करना नहीं रहता है, और हमें लिट्टी को थोड़ा सा खस्ता करना है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी डाल सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो तेल को हमने रिफाइंड लगभग 2 चम्मच हमने लिया था, उसको अच्छे से हमने आटे में मिला दिया है। और थोड़े थोड़े पानी डालकर हमको आटे को एकदम टाइट डो बना लेना है। ध्यान रखिएगा, आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, टाइट कर ही गूंथना है हमें इसको। और फिर इसको हमें एकदम अच्छे से गूंथ के और इसको हमें रेस्ट पर रख देना है लगभग आधा घंटा के लिए। तो ये हम रख देते हैं रेस्ट पर जब तक हम चोखा बनाते हैं। तो यहाँ चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बैंगन लिए, 2 टमाटर मैंने लिए, 3 आलू लिए मीडियम साइज़ के, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ मैंने छील लिए, उसको मैंने लिया है। तो इसका हम बनाएंगे चोखा। तो हमें इसको कोई भी भूनना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है। तो बस इसको हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे धुलकर इसको अच्छे से हमने कपड़े से साफ़ कर दिया है। तो बैंगन को हमें यहाँ पे बीच बीच में हमें इसमें कट लगा देना है, क्योंकि बैंगन में अंदर कीड़ा होता है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे डायरेक्ट हमको नहीं इसको पकाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे गहरी कट लगा दी। और इसके अंदर हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि बैंगन में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, बैंगन बिल्कुल क्लीन है या नहीं है। और एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बैंगन लिया, इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर इतने बड़े साइज़ का नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का जो बैंगन आता है छोटे वाले, तो उसको आप 2 ले लीजिएगा। तो ये लहसुन की कलियाँ हमने उसी के अंदर जो चीरा लगाया था हमने उसी के अंदर हमने डाल दिया है, बैंगन में सारे हमने डाल दिए हैं। तो ये टमाटर का जो बीज का बीज होता है, ये जो ऊपर लगा होता है, इसको भी हमें निकाल देना है ताकि अच्छे से टमाटर क्लीन हो जाए। तो ये देखिए ऊपर का भी हमने ये भी निकाल दिया है। तो ये हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसके ऊपर हमें अच्छे से ऑयल को लगा देना है। तो बैंगन टमाटर इसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे सरसों के तेल को। तो बैंगन में जैसे लगाया हमने ऐसे ही हमें टमाटर में लगा देना है। तो ये देखिए ऑयल लग गया है। अब इसको हम एक कुकर लेंगे, हमें कोई भी आग वगैरह में कोई भी हमें ऐसे नहीं पकाना है, भूनना भी नहीं है, क्योंकि भूनने से काफ़ी ज़्यादा गैस गंदा होता है और बहुत ज़्यादा काम फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बना रहे हैं। तो कुकर में बस 1 चम्मच हमने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, और तेल को बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, बस उसमें हमें बैंगन आलू टमाटर सभी चीज़ों को डाल देना है ताकि अच्छे से इसको हमें गलाना है। तो हमें इसको डालने के बाद में 1 सीटी लगने तक हमें इसको फ्लेम को मीडियम रखना है। जब 1 सीटी लग जाएगी तो हम बिल्कुल लो इसका कर देंगे गैस, इसका जो प्रेशर हम निकलने नहीं देंगे, सिर्फ पूरा गैस को हम लो करके और लगभग 8 से 10 मिनट हम पकाएंगे ताकि बहुत अच्छे से बैंगन टमाटर आलू सभी चीज़ें गल जाए। तो ये देखिए 1 सीटी इसमें आई हुई थी, फिर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, और उसके बाद हमने लगभग 7 से 8 मिनट के लिए इसको रख दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बैंगन टमाटर सभी चीज़ें गल गई है। इसको गलना बहुत ज़रूरी है, जब तक अंदर से ये अच्छे से गल ना जाए। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लिए हैं और अब हम इसको मैश कर लेंगे। तो मैशर की हेल्प से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चोखा बनता है, बिल्कुल जैसे हम गाँव में खाते हैं सेम वही टेस्ट आएगा। आप लोग ज़रूर इस बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है, 1 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई बारीक, लगभग 2 हरी मिर्च थी, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। प्याज हमने लगभग 1 मीडियम साइज़ का था, उसी को हमने चॉप किया था। और यहाँ पे नमक हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है, हमने आधा चम्मच नमक यहाँ पे ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको चोखा थोड़ा सा खट्टा चाहिए तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो
बस ये देखिए बहुत ही चटपटा टेस्टी सा चोखा तैयार है। तो बस अभी हमें इसमें सिर्फ इसमें सरसों का तेल मिलाना है, ये मेन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो यही होता है, क्योंकि चोखे का असली टेस्ट जब तक हम सरसों का तेल नहीं डालेंगे तब तक वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस सरसों का तेल डालकर हमने अच्छे से यहाँ पे मिला दिया और चोखा हमारा बनकर तैयार है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं और अब हम बाटी का स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये भुने हुए चने को हमने लिया है एक कटोरी भरकर, मेजरमेंट से देखा जाए तो लगभग 200 ग्राम होगा। तो इसको हमने ग्राइंडर भी पीस लिया है, आप चाहें तो चने के सत्तू से भी बना सकते हैं, मैंने भुने हुए चने को ही बनाया है, इससे भी बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हमें छान लेना है, जिसमें इसके जो छिलके होते हैं थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो अच्छे से छन जाए तो ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने उसको छान लिया अच्छे से ताकि क्लीन हो जाए। और अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज, लगभग एक मीडियम साइज़ का प्याज हमें ऐड कर देना है। तो प्याज को आप बिल्कुल बारीकी चॉप करिएगा और बिल्कुल ज़रा सा हरा मिर्च, दो हरी मिर्च लगभग होगी, उसको हमने बारीक कट किया है, उसको हमें डाल देना है। यहाँ पे हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है तो अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा आप। और यहाँ पे हमने लिया है आम के अचार का मसाला, थोड़ा सा उसमें ऑयल भी है, तो ये मसाला ज़रूर आप डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये ज़रूरी भी है। तो बस इसको हमने दो चम्मच भर के डाल दिया है, थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है और ऊपर से हरा धनिया। तो बस सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और बाटी का स्टफिंग हमारा बनकर तैयार है। तो जब तक हम आटा देख लेते हैं, तो देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, लगभग आधा घंटा हो गया है। और इसको हम हल्का सा हाथों से मसल लेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए एकदम चिकना आटा हमारा हो गया है। तो अब हम बाटी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा लगाएंगे हम हाथ में और जैसे हम रोटी की लोई लेते हैं बस उसी साइज़ का हमें लेना है जितनी बड़ी हम रोटी का लोई लेते हैं, तो उतना ही बड़ा हमें सेम उसी तरीके से हमें लोई बना लेना है। बस थोड़ा सा जैसे कहीं कहीं पर रोटी बड़ी बनती है तो थोड़ा सा आप उससे थोड़ा छोटा ले लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए हमने बना लिया है इसका बहुत ही अच्छा से एक चिकना सा लोई। तो ये देखिए सारे आटों का हमने बना लिया, लगभग 13 से 14 लोई बने हुए थे। तो बस हल्का सा हमें इस पर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने बाटी को फ्राई करके बनाया है, थोड़ा सा मैंने कचौड़ी का शेप दिया है, आप चाहें तो गोल शेप करके भी आप डायरेक्ट इसको फ्राई करके बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा गोल बनाते तो उसमें थोड़ा सा हमें स्टीम करना पड़ता फिर हम बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कचौड़ी शेप में बनाया है ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने 2 चम्मच लगभग इसमें स्टफिंग डालकर और बिल्कुल मोमोज की तरह हमने फोल्ड कर दिया है और गोल गोल हम इसको एकदम कर लेंगे। तो चाहें तो आप इस तरीके से भी बाटी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे हल्का सा इसको चपटा कर दिया है। तो हल्का सा हमने यहाँ पे कचौड़ी का शेप दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमको, बस थोड़ा सा सिर्फ हमें इसको बड़ा करना है, जितनी बड़ी हम कचौड़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा और छोटा ही करना रहता है। तो ये देखिए ताकि स्टफिंग अच्छे से पूरे चारों तरफ से फैल जाए। तो बस इतना ही ऐसे सेम हमें बना लेना है। तो यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, हम फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल भी रख दिया है। और आपको ऑयल को बहुत तेज़ नहीं गर्म करना है, आपको मीडियम फ्लेम पे ही पूरे जो ये बाटी है इसको ऐसे फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये अच्छे से पकेगा नहीं, फिर ये थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है। तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से फ्राई करना है, धीरे धीरे ये अपने आप फूल जाएगा। तो ऐसे ही हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कचौड़ी को इसको हमें फ्राई कर लेना है बाटी को। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से लाइट गोल्डन मैंने फ्राई कर लिया है और बाटी हमारी बहुत अच्छे से फुल भी गई है, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता सा ये बना था, क्योंकि इसमें हमने इसके आटे को हम लोग हमें खस्ता भी करना होता है तो बहुत ही खस्ता ये बना हुआ था। ये देखिए देखकर लग रहा है ना बिल्कुल टेस्टी फूले फूले से खस्ता से हमारी बाटी। तो लिट्टी चोखा बनकर तैयार है। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।